तो दोस्तों नैनीताल के पास एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ, जहाँ एक बहुत सुंदर सा रिसॉर्ट है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर ये व्यू है, वाकई में बहुत ही। हेलो दोस्तों, तो मैं आज लेकर आ गया हूँ आपको एक नई जगह पे और एक नया मैं रिसॉर्ट दिखाने वाला हूँ नैनीताल से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे, और वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा, इतना सुंदर ये है। मेरे बिल्कुल पीछे ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये देखिए, तो शहर की भीड़ भाड़ से एकदम दूर और बहुत ही सुंदर वादियों के बीच में ये एक सुंदर सा रिसॉर्ट है। चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पर, पहले तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये रिसॉर्ट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पेड़ों के बिल्कुल बीचों बीच कितना सुंदर ये लग रहा है। ये देखिए एकदम वादियों के बीचों बीच बहुत ही सुंदर है। चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल एकदम अलग तरह का है, नैनीताल से बिल्कुल 7 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या है और कैसा है, सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। तो ये हमने एंटर कर लिया यहाँ पर, और बाहर से हमारा स्वागत करने के लिए आ गए हैं यहाँ के मैनेजर साहब। तो नमस्कार सर, तो थोड़ा सा अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम पारस है। पारस भाई, तो बहुत ही सुंदर ये जंगल के बीच में बना हुआ रिसॉर्ट है, तो थोड़ा सा बताइए कितने रूम्स वगैरह हैं, क्या है यहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर्टी में 10 रूम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, जिसमें 3 सेगमेंट है। अच्छा, जिसमें हम 6 टेंट देते हैं। अच्छा, टेंट, हाँ हाँ, और 2 ट्री हाउस। अच्छा, 2 ट्री, दो हमारे थोड़ा अलग सेगमेंट है अभी, ए फ्रेम कॉटेज। अच्छा, ए फ्रेम कॉटेज, हाँ, इससे थोड़ा नया। तो बड़ा सुंदर आपने लग रहा है, तो आप उम्मीद करते हो, चलिए दिखाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं। अच्छा, आप इसकी जो खासियत है आपका, इसका नाम ही जो है पैराडाइज पूल रिसॉर्ट है, तो मेरे को लगता है कि एंटर भी हमारा पूल से ही हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए पहले स्विमिंग पूल देखते हैं। एंटर में हम आ गए हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल में, तो देखिए मैं स्विमिंग पूल में देख रहा हूँ, अभी पानी मुझे लग रहा है भर रहे हैं आप, है ना? हाँ सर, हाँ, अभी इसकी सफाई चल रही है। अच्छा, सफाई चल रही है, हर तीसरे दिन में इसकी सफाई होती है। अरे बहुत अच्छी बात, वाटर रहता है, स्रोत है इधर। अच्छा, पानी का। अरे वाह, और विदाउट क्लोरीन, क्लोरीन का यूज हम नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं करते, बॉडी में साइड इफेक्ट पड़ते हैं, क्लोरीन का यूज ही नहीं करते। अच्छा, हम हर दूसरे तीसरे दिन इसको चेंज करते हैं। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं, और देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल के पास बैठने के लिए तो सारी सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध हो जाती होंगी, है ना? हम तो म्यूजिक वगैरह सब यहीं पर। अरे वाह, बॉनफायर का अरेंजमेंट भी हमने, बॉनफायर का करा है, बहुत बढ़िया है। चलिए तो और देखते हैं, चलिए रूम्स वगैरह देखते हैं हम लोग। हाँ, आप ऊपर लेके चल रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं इसे? ये है लग्जरी स्विस टेंट। अच्छा, लग्जरी स्विस टेंट है, तो देख सकते हैं ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए आप चलते हैं इस वाले में और देखते हैं कैसा है अंदर से। चलिए ये है सीढ़ियाँ, और यहाँ से चलते हैं हम लोग ऊपर। ये हमारा लग्जरी स्विस्टेंट। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी ये रूम कुछ फैसिलिटीज है। अच्छा, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह, हाँ हाँ, साथ में शुगर पाउच, कॉफी पाउच। अच्छा, ग्रीन टी, हाँ हाँ, अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। चलिए अच्छी बात है, पंखा आपने लगाया हुआ, क्योंकि टेंट में जो है दोपहर में गर्म हो जाता है। और बाथरूम देख लेते हैं हम लोग, वो जरूरी है। बाथरूम देख लेते हैं, तो बढ़िया है, गीजर इन्होंने दिया हुआ है, ये बढ़िया है, इंग्लिश टॉयलेट है, इंग्लिश पॉट है, बढ़िया। अच्छा, शावर भी है, वेरी गुड, बढ़िया है। यहाँ पर बढ़िया साबुन वगैरह सब चीज़ है। अच्छा, मिरर है, तो ये बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए इस तरफ से यहाँ पर टेंट से हम व्यू भी देख लेते हैं, तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू है। देखिए सामने स्विमिंग पूल दिख रहा है, और एकदम बढ़िया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल वादियों के बीच में, बहुत ही सुंदर, भीड़ भाड़ से एकदम दूर, बहुत ही सुंदर, बड़ा मज़ा आएगा आपको यहाँ पर। ये है इनके स्विस कॉटेज, ये एक और दो, कितने हैं ये वाले? ये हमारे पास ये लग्जरी जो स्विस टेंट है वो 6 है। 6 है, अच्छा अच्छा, 6 है, बहुत बढ़िया। हमारे पास 2 ट्री हाउस हैं। ये ट्री हाउस जो दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, तो इसमें हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं अंदर से। मुझे तो बड़ा बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वाकई में बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि इसके टैरिफ वगैरह वाजिब भी होंगे, ऐसे कोई इतने ज्यादा महंगे नहीं होंगे हैं? नहीं, इतना कुछ नहीं है। हाँ, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग टैरिफ से सीजन ऑफ सीजन चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते, तो आपसे फोन में बात कर लेंगे और से पता कर लेंगे ना। चलिए हम चलते हैं ऊपर, देखिए दोस्तों, देखिए सीढ़ियों से हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसा लग रहा है वहां पर। तो ये देखिए ट्री हाउस में पहुंच गए हम लोग, और ये है इनका बेड, बहुत ही सुंदर, इसमें भी फैन लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, और छोटा सा है ये,
और यहाँ पर भी ये फैसिलिटीज़ है, लाइट वगैरह सब है, फ़ैन भी दिया हुआ है इन्होंने। और बाथरूम देख लेते हैं यहाँ से, तो ये देखिए बाथरूम भी बढ़िया है, और ये देख सकते हैं पेड़ भी दिख रहा है बहुत बढ़िया, और ये गीज़र भी है, तो वाकई में ट्री हाउस है ये। और यहाँ से मुझे जो लग रहा है, ये देखिए रूम से ही बाहर का व्यू भी बड़ा सुंदर है, ये देख सकते हैं आप लोग बहुत सुंदर, और बालकनी व्यू भी है देखिए इस तरफ से, तो चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको। अरे हमारा झूले के लिए भी है, अरे वाह यहाँ पर छोटा सा झूला भी है, तो इसमें भी आप आराम कर सकते हैं। देखिए बालकनी से भी व्यू है इसमें बहुत सुंदर, थोड़ा सा यहाँ से दूसरे वाले ट्री हाउस का मैं दिखा दूँ व्यू, तो बहुत सुंदर। तो दो ट्री हाउस हैं बताया आपने ना? हाँ बहुत बहुत बढ़िया, तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। चलिए आप देखते हैं दूसरी जगह, लेके चल रहे हैं दूसरे वाले स्विस टेंट में, तो हम सारे तो नहीं दिखेंगे लेकिन कुछ देख लेते हैं जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो देखिए ये भी है, तो बड़े सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और बहुत अच्छे हैं। वॉशरूम भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए पानी वगैरह की केटल टी केटल वगैरह सब कुछ है, मिरर भी अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है। चलिए बाथरूम देख लेते हैं, कि बाथरूम देखना बहुत ज़रूरी होता है, ये देखिए बाथरूम देखना बड़ा ज़रूरी होता है, साफ़ सफाई क्योंकि सबसे पहली है, तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है, जो भी आता है जो भी लोग आते हैं तो साफ़ सफाई पे की तरफ ये बाथरूम जरूर देखना चाहते हैं, तो साफ़ सफाई अच्छी लगी मुझे है। ये अच्छा ये बास्केटबॉल का भी दिया हुआ है, अरे वाह आउटडोरिंग इंडोरिंग गेम है हमारे पास। अच्छा क्या क्या है थोड़ा सा बताइए। ये बास्केटबॉल है हमारे पास, अच्छा बैडमिंटन का सब कुछ है, अच्छा बैडमिंटन का भी है, अच्छा और उसपे फिर आउटडोर में ये जिम्स वगैरह। अच्छा आप जिम भी बता रहे थे मुझे, तो सामने की तरफ जिम भी है, तो ये देखिए सामने की तरफ जिम भी है, तो चलिए बहुत बढ़िया है। और क्या क्या बाकी बारबेक्यू हो गई, अच्छा बारबेक्यू है, बारबेक्यू का भी बना रखा है। हाँ बाकी है। अच्छा जैसे कि जैसे कुछ लोग जो है यहाँ पर जो सुविधाएं जैसे आपकी यहाँ पर देखिए काफी जगह है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो आराम से यहाँ पर भी कुर्सियाँ लगा के बैठ सकते हैं ना शाम को। ये बालकनी व्यू हम देते हैं। हाँ 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 ये यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाए थे। अच्छा जैसे ये वाले में देख लीजिए तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे बाहर से भी काफी जगह है यहाँ पर बैठने की, और यहाँ पर बैठ के भी आप सामने को व्यू को एंजॉय कर सकते हैं अपनी इवनिंग्स और मॉर्निंग्स में, तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब चलते हैं आगे। ये है ए फ्रेम कॉटेज, तो दो कॉटेजेस हैं इनके पास और ये बड़े सुंदर एक साथ देखे हैं, तो बड़े सुंदर हैं। आइए इसके अंदर चलते हैं, मुझे तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए भाई साहब इसका नज़ारा दिखाइए कैसा है ये। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर एकदम अद्भुत और बहुत अच्छा लग रहा है ये, वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा है। और इसमें झूला भी आपने देख रखा है इसके अंदर है, झूला भी है बहुत अच्छा, और देख सकते हैं ये तो बड़ा सुंदर है, यहाँ पर बैठने के लिए भी है काफ़ी जगह है। अरे वाह अच्छा ऊपर भी सो सकते हैं। आइए मैं चलिए दिखाई देता हूँ आपको फटाफट से, छोटा सा है ये, तो देखिए ये सीढ़ियों से ऊपर जाके ये देखिए यहाँ पर भी दो लोग सो सकते हैं आराम से, बहुत ही सुंदर फैन भी दिया है इन्होंने, बहुत ही सुंदर लाइट है यहाँ पर, चार्जिंग के हैं सब, बहुत ही सुंदर। आइए इसका बाथरूम देखते हैं, ये देखिए ऊपर से भी थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ आपको, बड़ा अच्छा लग रहा है ये, बहुत सुंदर ये देखिए ये इसका बाथरूम, अच्छा यहाँ पर बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पर आराम से लेट के आप लोग नहा सकते हैं। ये देखिए बाथरूम बहुत लग्जरी बाथरूम है, गीजर भी है, बहुत सुंदर इंग्लिश पॉट है, बहुत ही सुंदर है ये वाकई में। आइए दूसरे वाला भी देखिए लेते हैं लगे हाथों, तो चलिए दूसरे वाले में भी चलते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे वाले ए शेप में, तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो इसके अंदर देखते हैं कैसा है ये। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर वाकई में, और यहाँ पर कूलर भी इन्होंने दिया हुआ है, और ये देखिए बैठने के लिए भी बढ़िया है यहाँ पर। और इसमें भी दोस्तों उसी तरह से ऊपर भी दो लोगों के सोने के लिए है, पंखा भी दिया हुआ है और एक बड़ा पंखा यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और देखिए इसमें बैठ के आप आराम कर सकते हैं, बहुत सुंदर वाकई में, लाइट्स वगैरह भी बहुत अच्छी लगी हुई है। तो आज ये बाथरूम देख लेते हैं हम लोग, बाथरूम जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाथरूम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बाथटब इसमें दिया हुआ है उस वाली की तरह ही, गीज़र भी है इसमें, टॉवल साबुन वगैरह की सब व्यवस्था है, इंग्लिश स्पॉट है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा ये भी। तो ये देखिए बास्केटबॉल, तो यहाँ पर आप बास्केटबॉल का भी आनंद ले सकते हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे, देखिए बॉल भी रखी हुई इन्होंने। अच्छा बताइए बच्चों के लिए जैसे क्या क्या है यहाँ पर? बच्चों के लिए बैडमिंटन हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, अच्छा जिंगल्स हो गई, हाँ 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 सारे गेम्स प्रोवाइड है। अच्छा अच्छा आउटडोरिंग इंडोरिंग, अच्छा और ड्राइंग हो गई, आर्ट्स हो गई बच्चों के लिए, मतलब अच्छा बच्चे भी अपना पूरा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं पूल से ड्राइंग से आके रेस्टोरेंट में। तो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे काफ़ी खुली जगह है दोस्तों यहाँ पर, और ये देखिए इनका रेस्टोरेंट भी काफ़ी बड़ा है और बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ पर
काफी सारे लोग एक साथ, कितने सारे लोग, कितने लोग यहाँ पर एक साथ कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं? यहाँ पे सर 24 से 28 लोग खाना खा सकते हैं। 24 से 28 लोग खाना खा सकते हैं। और अब ग्रुप्स वगैरह की बुकिंग भी तो लेते होंगे ना? हाँ सर, तो अच्छा, तो ग्रुप्स में तो डिस्काउंट वगैरह अच्छे मिल जाते होंगे? अच्छा चलिए, तो खर्चा ये बढ़िया बात, ये अच्छी बात है। तो देख सकते हैं इनका रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर देखें बढ़िया कुर्सियाँ, बहुत अच्छी स्टाफ भी, देखिए सारा स्टाफ अभी यहाँ पर मौजूद है, बफे भी है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि यहाँ पर को ग्रुप्स वगैरह के लिए भी यहाँ, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि कई बार जो ग्रुप्स वगैरह आते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ और थोड़ा देखते हैं कि बाहर से कैसा व्यू है इसका। छोटा सा वाटरफॉल भी है ये देख सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, मैं जब जिम की जो बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर जिम भी है, तो जो लोग एक्सरसाइज फ्रीक हैं उन लोगों का जिम नहीं छूटेगा, तो यहाँ पर आके कम उनका काम चलाओ। यहाँ पर जिम है, ये देख सकते हैं सामान रखा हुआ है, अच्छी खासी ठीक ठाक जगह है ये। मतलब जो रेगुलर बेसिस में जिम करते हैं उनका रूटीन टूटेगा नहीं? रूटीन वही मैंने बोला, रूटीन टूटेगा नहीं, बनेगा नहीं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया है ये। तो दोस्तों एक बार मैं इस तरफ आ गया हूँ ताकि आपको पूरा यहाँ से व्यू मिल सके इस प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी सुंदर जगह में हम यहाँ पर आए हैं, और नैनीताल से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे ये रिसॉर्ट है, और आप लोग यहाँ पर पैराडाइज पूल रिसॉर्ट, और बहुत ही सुंदर ये है, मुझे तो बड़ा सुंदर लगा, उम्मीद करते हैं आपको भी बड़ा सुंदर लगा होगा। तो टैरिफ भी मैंने इनसे पूछे तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑफ सीज़न के अलग अलग होते हैं, तो आप यहाँ पर आके इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ़ोन पर बात करके आप लोग बुक करा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।